गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे आपके सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार नए सिलेबस में चैप्टर नंबर 2। अब तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में आपके कुछ नए सिलेबस में कुछ नए चैप्टर जोड़े गए हैं। तो सेमेस्टर पहले में फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें 2 नंबर का जो चैप्टर है वह है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। वैसे का आपको मैं बताऊँ, कार्य और ऊर्जा दोनों ही एक ही चीज़ हैं, कार्य ही ऊर्जा और ऊर्जा ही कार्य है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, दोनों की जो यूनिट है और दोनों के जो मात्रक हैं वो एक जैसे ही हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है क्या नहीं है, इससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि संवेग क्या है और जो रेखीय संवेग है वह क्या है, और संवेग को रेखीय क्यों कहते हैं। इसके अलावा दूसरा संवेग भी होता है क्या, जिसको हम कोणीय संवेग भी बोलते हैं, वो क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अपन बेसिक आइडिया यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो और इसका संरक्षण का नियम क्या है, इसको संरक्षित रहना क्यों आवश्यक है, इसका ऊर्जा और कार्य से क्या संबंध है, ये सारी बातें इससे रिलेटेड चीज़ें अपन सब पढ़ेंगे, और इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनमें से यह है एक चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी। नॉर्मली रिलेटेड टू मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स का यांत्रिकी वाला पार्ट है उसमें यह आता है। तो आपको यूँ समझिए, सबसे पहले आप इसको मोटा मोटी यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि देर आर 2 व्हीकल, वन इज सिंपल कार, अनदर इज ए ट्रक। 2 गाड़ियां हैं, एक कार है और एक ट्रक है। दोनों अगर समान वेग से चल के आ रहे हैं, दोनों के जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो एक जैसी है। सपोज ट्रक है वह भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और कार है वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक जैसी सड़क पर चल रहे हैं। दोनों को एक साथ ब्रेक लगाया जाए तो सबसे पहले कौन रुकेगा और कम दूरी पर कौन रुकेगा। तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल होगा कार। कार क्यों? क्योंकि कार का मोमेंटम कम होगा। कार का मोमेंटम कम होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये मोमेंटम है एक्चुअली में, इसको अपन फिजिकली कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट है वो अपन देख सकते हैं। तो इसका फिजिक इफ़ेक्ट कैसे देख सकते हैं, कि जो कार है उसके खुद के द्रव्यमान के कारण से, जो द्रव्यमान है यह एक प्रॉपर्टी है नॉर्मली इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो उसमें द्रव्यमान के कारण से उसका जो वेग है वो जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा, उसका संवेग उतना ही ज़्यादा होगा। संवेग नाम से देखिए, वेग से रिलेटेड प्रॉपर्टी है संवेग। तो ट्रक है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो दोनों का द्रव्यमान में अंतर है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर अपन दोनों की गति अलग अलग कर देते हैं तो उसके बाद में संवेग उस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। तो संवेग को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये यहाँ पर ऐसे है। एक आप देखिए कि आप एक एक कांच की बॉल को लीजिए, एक पत्थर की बॉल को लीजिए और एक रबर की बॉल को लीजिए, और उसको आप किसी भी जो काफ़ी टफ या सॉलिड फॉर्म का एक फ्लोर है, फर्श है, उसके ऊपर छोड़िए, फेंकिए उस पर, तो देखिए बाउंस बैक होती है, बॉल है वो वापस बाउंस बैक होगी, तो वापस उछाल लेके बॉल आएगी। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी बॉल है वह उछाल लेगी, जिसका बाउंस बैक जितना ज़्यादा होगा। तो वह बाउंस बैक क्यों होता है, बाउंस बैक वो मोमेंटम के कारण से होता है। अब ये मोमेंटम है जो संवेग है, इसका संरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, कि मोमेंटम का कंजर्वेशन, कि हमेशा यह किसी भी घटना के लिए, घटना से पहले और घटना के बाद दोनों के लिए समान रहता है। कोई भी घटना होने से पहले का संवेग और घटना होने के बाद का संवेग, दोनों ही कंडीशन में संवेग अगर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको संवेग संरक्षण बोलते हैं, अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझे तो। तो इसको आप नॉर्मली अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज समझेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कोई भी निकाय है वो आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब विलग अलग, जो किसी के साथ में कांटेक्ट में नहीं है, किसी दूसरे निकाय का है, दूसरी घटना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो किसी भी विलग निकाय के लिए कुल संवेग है वह नियत रहता है। टोटल मोमेंटम, कुल संवेग किसी भी विलग निकाय के लिए, इसे विलग या आइसोलेट सिस्टम बोलते हैं, कुल संवेग है वह नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो संवेग है उसका समय के साथ में परिवर्तन 0 होता है,
संवेग का समय के साथ में परिवर्तन जीरो होता है। कैसे? देखिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मली अपन को पता है कि कोई भी जो द्रव्यमान है m, कोई भी द्रव्यमान है m, अगर वो v वेग से गति कर रहा है तो इसका जो संवेग अब हो जाएगा एम वी। सबसे पहले तो आप ये समझिए, चैप्टर नंबर 1 में अपन ने विमाओं वाले चैप्टर में इसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कस किया है, संवेग की विमा भी ज्ञात की है। तो देखिए यहाँ पर ये संवेग है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि यह किस दिशा में है, उस दिशा के अनुसार इसको अपन मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल आ गया किसके बराबर, संवेग के बराबर, मोमेंटम के। द्रव्यमान का जो मात्रक का वो क्या होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया संवेग, इस प्रकार से हो गया। ओके, अब देखिए इसको अपन नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ध्यान रखिए, देखिए ये वी का मान मैंने क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन डी टी, स्थिति में परिवर्तन की दर है ना वही वेग है समय के सापेक्ष बराबर। ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अभी देखिए इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूँ, मैं इसको करता हूँ एम डी एक्स बराबर पी डी टी, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कुछ नहीं किया मैंने, डी टी को इस तरफ ले लिया है और मैं इस तरफ डी एक्स बराबर पी बटे एम डी टी और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, पी और एम को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि टी के ऊपर निर्भर नहीं करने को। अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन करता हूँ, समाकलन करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स का क्या होगा एक्स, और इसका हो जाएगा पी बटे एम इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब मैं इनकी लेता हूँ लिमिट, तो एक्स की लिमिट देखिए, एक्स की लिमिट ज्ञात करने का तरीका क्या है कि कोई भी एक कण है, कोई भी एक पार्टिकल है, बॉडी है, निकाय है, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर प्लेन रॉकेट तक अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए जब टी का मान जीरो है, उस सिस्टम के लिए जब टी का मान जीरो, अर्थात वह जो सिस्टम है वह अभी नियत पोजीशन पर है, हलचल में नहीं है, तो टी का मान जीरो है, इसका मतलब टी बराबर जीरो है, तब एक्स का मान क्या है, तो सपोज उसकी पोजीशन अपने मूल बिंदु के ऊपर ही ले रखी है तो पोजीशन का मान भी जीरो है, तो एक्स बराबर भी जीरो ले लिया अपन ने। ओके, देखिए जब टी का मान जीरो तो एक्स बराबर जीरो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बराबर जीरो हो गया, यहाँ पर रखेंगे जीरो, यहाँ पर जीरो तो सी बराबर जीरो, वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यह क्या आ गया, एक्स बराबर पी बटे एम इंटू टी। तो देखिए जो संवेग है सीधा सीधा वो क्या है, संवेग देखिए पी बराबर हो जाएगा तब एम इंटू एक्स टी बराबर पी, जो संवेग है वह स्थिति का फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, संवेग का मोमेंटम है वह है पोजिशन का एक फंक्शन लिखा जा सकता है, कि कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, वह एक नियत पोजिशन पर है, स्थिर अवस्था में, तो उसका कोई संवेग होगा ही नहीं, लेकिन वह स्थिर अवस्था में से हिलेगी, गति करेगी, तो उसका समय परिवर्तित होगा, समय परिवर्तित होगा और समय भी परिवर्तित होने के साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा। सपोज पहले एक्स बराबर एक्स वन था, जब टी बराबर टी वन था, तो टी बराबर टी टू समय हो गया तो एक्स बराबर एक्स टू हो गया, तो जो समय में परिवर्तन, समय के सापेक्ष पोजीशन में परिवर्तन हुआ तब मोमेंटम क्रिएट हुआ है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। तो अब समय में परिवर्तन हो रहा है, तो समय में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, जो संवेग है वह उत्पन्न हुआ है और वह संवेग समय के सापेक्ष बार बार परिवर्तन करेंगे अलग अलग अंतराल में, तो उसमें नियत रहना चाहिए, उसका जो परिवर्तन समय के साथ कर रहे हैं, सपोज मैंने टी बराबर 5 सेकंड लिया और टी बराबर 10 सेकंड लिया, तो समांतर कितना हुआ 5 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड में जितना समय मोमेंटम आया था एवरेज के हिसाब से, उतना ही वह टी बराबर 10 सेकंड से टी बराबर 20 सेकंड गया, टी बराबर 25 सेकंड के लिए आना चाहिए, तो संवेग अब नियत रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग संवेग आया, हाँ अगर उसकी वेलोसिटी को अपन चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से संवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि जो संवेग है वो देखिए यहाँ पर क्या है टी बराबर एम वी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक ही पार्टिकल नहीं है, एक ही बॉडी नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल हैं,
आप यूँ मानिए कि आपके हाथ में जो नॉर्मली अपन बहुत सारी बॉल्स ले लीजिए, छोटी छोटी बॉल्स ले लीजिए और उन बॉल्स को एक साथ फेंक दीजिए। तो वो सारी बॉल्स फेंकने के बाद में आपके हाथ में जब वो बॉल थी बहुत सारी, सपोज़ वो 20 20 आपके हाथ में गेंदे हैं, छोटी छोटी बॉल्स हैं, तब उनका मोमेंटम कितना था? तब उनका मोमेंटम जीरो था क्योंकि वो कोई गति नहीं करी, लेकिन आपने उसको फेंका और उन्होंने गति किया, उन्होंने वेलोसिटी मिला उनको, तब उन सब का मोमेंटम होगा वो बॉल्स का, वो जुड़ने के बाद में जीरो के बराबर आएगा। क्योंकि मोमेंटम जो संवेग संरक्षण है वो क्या है, संवेग हमेशा घटना से पहले और घटना के बाद का संवेग बराबर होता है। तो घटना से पहले का संवेग कितना था? जीरो, क्योंकि वेग जीरो था, और घटना के बाद वेलोसिटी मिली लेकिन सारी बॉल्स हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो उन सब डायरेक्शन को जोड़ के जब उसका संवेग निकालेंगे तो वो जीरो होगा, तो संवेग सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी निकाय के लिए अगर मैं कहूँ कि एन कण हैं, तो एन पार्टिकल हैं, तो एन पार्टिकल होने की वजह से जो हर एक पार्टिकल है उसका खुद का संवेग सुरक्षित होगा, तो सारे जो संवेग हैं उनको जोड़ दिया जाएगा तो वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया सिग्मा डेल्टा पी आई, आई का मान 1 से लेके एन तक, इसको आप ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी 1 प्लस डेल्टा पी 2 प्लस डेल्टा पी 3 प्लस डेल्टा पी 4 ऐसे प्लस डेल्टा पी एन बराबर जीरो, ऐसा लिख सकते हैं आप इसलिए। यहाँ पर डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब संवेग में अंतर, संवेग में अंतर जीरो होना चाहिए। अगर संवेग संरक्षित है तो संवेग में अंतर जीरो होगा, अर्थात संवेग है वो नियत रहेगा। इस बात का, अब संवेग नियत रहने का मतलब है उसके सापेक्ष एम और वी दोनों का जो गुणनफल है वह संवेग और वह नियत रहना चाहिए, जरूरी है इस बात के लिए। ओके, संवेग संरक्षण के लिए तो संवेग अगर नियत है तो संवेग में दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, दो अलग अलग समय अंतराल के बीच में जो संवेग का अंतर होगा वह जीरो होना चाहिए, और हर कण के लिए वो अलग अलग जीरो होगा, तो जुड़ने के बाद में टोटल संवेग है वह भी जीरो हो जाएगा, तो दोबारा से संवेग सुरक्षित रहेगा। इफ़ एन पार्टिकल कोलाइड्स देन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल, जो अभी भी मैंने बताया था आपको बोल्स का एग्जाम्पल, कि बहुत सारे एन कण हैं और वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, टकराते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। आपने अगर कैरम खेला है तो देखिए कैरम खेलते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है वो जो बाकी और जो कैरम के अंदर जो स्ट्राइकर के अलावा और जो पैनीज होती हैं उनसे जब वो स्ट्राइकर को अपन कोलिजन करवाते हैं, टक्कर करवाते हैं, तो देखिए वो स्ट्राइकर डिपेंड करता है आपने किस एंगल पर गति कर रहा है और उस पैनी से कितने एंगल पर जाके टकराया है, तो वो जितने एंगल पर टक्कर करता है उसी कोण के ऊपर वो पैनी है वो गति करती है, तो और उसी एंगल के ऊपर स्ट्राइकर है वह वापस बाउंस बैक भी होता है, उसकी गति होती है। आप इसको देखिए कि ये एक सपोज एक बॉल है, दूसरी एक बॉल है, अगर इस बॉल को आप सीधा सीधा टक्कर करेंगे और दोनों बॉल समान है तो देखिए ये दोनों बॉल समान है तो ये बॉल सीधी सीधी दिशा में गति करेगी, लेकिन ये दूसरी दोबारा यही बॉल है और इस बॉल को आप किनारे से यहाँ टक्कर करेंगे तो ये इधर 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 और ये वाली बॉल भी इधर अलग किसी एंगल पर गति करेगी, तो जो मोमेंटम है वो किसी भी दिशा में भी सुरक्षित रहेगा। तो आपस में टक्कर से पहले का या इंटरेक्शन से पहले का या घटना से पहले का संवेग या टक्कर के बाद का, इंटरेक्शन के बाद का या किसी घटना के बाद का संवेग हमेशा सुरक्षित रहना जरूरी होता है, इसको अपन ध्यान रखिएगा, फिर आगे के लेक्चर में इसको एज ए न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, उन सारे पार्टिकल्स में मैंने आईथ इनिशियल मान लिया है, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में सारे कणों का संवेग और फाइनल अवस्था में टक्कर के बाद या इंटरेक्शन के बाद में सारे कणों का संवेग है वो बराबर होते हैं, तो इसको अपन नॉर्मली एन कणों के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं पी आई आई बराबर 1 से लेके एन, पी एफ एफ से बराबर 1 से लेके एन तक, सभी कणों का संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में सुरक्षित रहता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, आपने अगर फायरवर्क्स पटाखे छुड़ाए हों या नॉर्मली बम ब्लास्टिंग होती है, तो सबसे पहले अगर कोई भी पटाखा है या फायरवर्क्स हैं तो अगर वो ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने के बाद में, अगर वो ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद का संवेग देखें, तो जब वो स्थिर अवस्था में था तो उसमें कोई संवेग था ही नहीं, और जब वह ब्लास्ट हुआ तो उसके जो टुकड़े हैं वो सभी दिशाओं में जाएंगे। सभी दिशाओं में जाने का रीज़न ये है कि सभी दिशाओं में जाएंगे तो उनके जो संवेग का संरक्षण है वो सभी दिशाओं में जाने से बराबर हो जाएगा और नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग दोनों कितने हो गए हैं? जीरो हो गए हैं और संवेग दोबारा से सुरक्षित होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
साथ में देखिए, फॉर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कॉन्स्टेंट एंड कंजर्व्ड ऑलवेज इन आइसोलेट सिस्टम। अगर कोई भी एक विलग निकाय है, एक आइसोलेट सिस्टम है, उसके लिए ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहते हैं। अर्थात किसी भी घटना से पहले का संवेग और ऊर्जा, किसी भी घटना के बाद का संवेग और ऊर्जा आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा बार बार में, इसको अपन न्यूमेरिकल के रूप में काम में लेंगे। क्योंकि अपन को पता है कि जो संवेग है पी बराबर एम वी है, और यह एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, दिशात्मक गुण रखता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ में इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो भी सुरक्षित होंगे। कैसे? एक कण है, सपोज एक कण गति कर रहा है ऐसे, तो एक किस दिशा में, सपोज मैं इसको ऐसे मान लूँ, ये एक्स दिशा, ये वाई और जेड, तो यह पी एक्स एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो अक्ष दिशा का संवेग भी सुरक्षित होगा उस कण के लिए, वाई दिशा का भी होगा और जेड दिशा का। वो अलग बात है कि वाई पी वाई में और पी जेड में गति है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिक जीरो होंगे, लेकिन वो सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। और इसी के ऊपर बाद में आगे जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे, तो हाइजनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल भी दिया था कि इनकी जो मिनिमम अनसर्टिनिटी है वह एक प्लैंक नियतांक होता है, प्लैंक कोणीयता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती पोजिशन के साथ में। देखिए, तो देन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑन ए सिंपल वे। तो संवेग है, उसको अपन अभी अभी अपन ने एम और वी के गुणफल के रूप में पढ़ा, साथ में अपन ने ये भी देखा कि जो संवेग है वो एम और वी के साथ में पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, एम डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में। तो अगर कोई भी निकाय है, उस निकाय के ऊपर कुल कितना बल लागू हो रहा है, बल कब अप्लाई करेंगे? देखिए, कोई भी अगर कोई भी निकाय है वह स्थिर अवस्था में है, सपोज कीजिए प्रारंभिक अवस्था में वह स्थिर में है, गति नहीं कर रहा है, तो उसको गति अपने आप तो नहीं होगी ना, उसको गति करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर से बल देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जब उसे बल देंगे और वो बल है वह उसकी पोजिशन में परिवर्तन करेगा, तो पोजीशन में परिवर्तन होने का मतलब है उसमें वेग उत्पन्न होगा, और वो वेग है वो उसके द्रव्यमान के साथ में गुणनफल होकर संवेग उत्पन्न करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी निकाय है उसमें आपने उसको कांस्टेंट बल दिया, एक नियत बल लगा रहे हैं आप उस पर, तो नियत बल लगा रहे हैं तो वो नियत वेग से गति करेगा। तो नियत बल लगाने का मतलब यह है कि आप उस पर लगातार एक समान बल लगाते जा रहे हैं। सपोज आपने उसमें बल है एफ और उसको आपने चेंज नहीं किया, तो बल क्या होता है? एफ बराबर एम ए, ध्यान रखिए, देखिए एम ए, और न्यूटन का नियम के अनुसार पता अपन को एफ बराबर एम ए होता है, और एम ए क्या है? त्वरण है, तो ये डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी होता है। तो वी क्या है? वेग, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। एम क्या है? उस निकाय का द्रव्यमान। अब ध्यान रखिए, अगर द्रव्यमान समय का फंक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे द्रव्यमान समय का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द्रव्यमान है वह समय का फंक्शन होता है, समय के सापेक्ष द्रव्यमान कम होता है ज़्यादा होता है, नॉर्मली कम होते वाला ही द्रव्यमान के घटने की दर को अपन पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई होता है रॉकेट के लिए, जब रॉकेट है वो समय के सापेक्ष ऊपर की तरफ उठता है, उसको थ्रस्ट मिलता है, जब उसमें फ्यूल जलता है तो उसका जो कुल द्रव्यमान है, जो जो समय बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि फ्यूल जलता हुआ जा रहा है तो समय के सापेक्ष उसका द्रव्यमान कम होगा। लेकिन यहाँ पर अपन जो भी सिस्टम ले रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट है, समय पर निर्भर नहीं करता है, इस बात के लिए। तो समय पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम है इसको अपन इसके डेरिवेटिव के अंदर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी और बटे, देखिए ऐसे डी बटे डी टी इंटू एम वी। अब देखिए एम वी क्या है? एम वी संवेग है, तो डी पी अपॉन डी टी, तो एफ के बराबर क्या आ गया? डी पी अपॉन डी टी। अर्थात किसी भी निकाय के लिए अपन बल लगा रहे हैं तो उसमें संवेग में परिवर्तन होगा, हर हाल में संवेग में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष अगर उस पर बल लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कि अगर मैं कहूँ किसी भी निकाय के लिए बल का मान जीरो है, एक बार सपोज कोई गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी चलती ही जा रही है, उस पर कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें बल नहीं लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें बल नहीं लगने का मतलब है उस चलती हुई गाड़ी के लिए डी पी अपॉन डी टी का मान जीरो, तो पी बराबर कॉन्स्टेंट, संवेग का मान नियत होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर बल का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है
तो संवेग है वह संरक्षित नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए जो अगर कांस्टेंट फोर्स है और फोर्स का मान जीरो है वहाँ पर, ध्यान देखिए फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मतलब अगर फोर्स का मान जीरो मानूँ मैं समय के सापेक्ष, तो संवेग है वह संरक्षित होगा। तो नेट फोर्स दैट इज गिवन एफ नेट इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, अगर एफ नेट जीरो है तो संवेग संरक्षित होगा। When the particle moves freely and interact with another system for a short period and then occurs freely, moves freely again, it has definite momentum change with respect to time. अब जैसे संवेग है उसी का एक भाई है, उसको बोलते हैं आवेग, that is called in English impulse. दो चीज़ें हैं, अब नॉर्मल देखिए आवेग, आवेग का मतलब आवेश में आना नॉर्मल लाइन पे बोले तो, आवेग का मतलब क्या था इम्पल्स, तो दोनों के मात्रक और विमाएँ समान हैं लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी और दोनों का जो कार्यशैली है वो अलग है। संवेग आप यूँ मानिए कि सपोज कीजिए कि एक आपके पास एक नुकुली कील है और दीवार में उसको आपको ठोकना है, तो कील को आपने दीवार के ऊपर रखा और उस पर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया कंटिन्यूस, क्या वो कील है वो दीवार के अंदर धंस जाएगी? नहीं। लेकिन अगर वही 2 न्यूटन का फोर्स सपोज कीजिए उस कील पर अपन इंस्टेंट लगाएं हमर से हथौड़े से, तो वो कील दीवार में धंस जाएगी। तो जो इम्पल्स है वो एक्चुअल में है तो संवेग जैसा ही, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। इंस्टेंट फोर्स क्षणिक बल लगाना होता है, तो क्षणिक बल लगाएंगे वो आवेग की तरह होगा, जबकि दोनों का फॉर्मूला मैथमेटिकली सेम होंगे और वो इम्पल्स कहलाएगा। तो देखिए नॉर्मली क्या है, दिस चेंज डिफाइन एज ए इम्पल्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, मतलब इंस्टेंट इंटरेक्शन, एक क्षणिक क्षणिक बल है समय के साथ में, क्षणिक इंटरेक्शन है प्रतिक्रिया है, बल्कि वह इम्पल्स कहलाएगी समय के साथ। तो ये जो इक्वेशन है एफ नेट इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसको मैं सीधे सीधे यहाँ से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ ऐसे देखिए पी बराबर एफ डॉट डी टी इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसे टी वन बटे ऐसे टी टू ये है और टी वन टी टू बहुत क्षणिक है, तब यह जो वैल्यू है ये इम्पल्स के बराबर हो जाएगी, इसको आवेग बोलेंगे। आवेग और संवेग ध्यान देखिए दोनों का मात्रक और विमाएँ एक जैसी होती हैं, लेकिन संवेग है वह क्षणिक नहीं है, आवेश आवेग है इम्पल्स है वह क्षणिक बल है। तो इसको लिख सकते हैं पी बराबर टी वन से टी टू तक इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू आई एंड एवरेज फोर्स विच एक्ट ऑन ए पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरेक्शन डी टी, अगर किसी भी कण के लिए डी टी समय तक एवरेज फोर्स लग रहा है तो अपन डेल पी अपॉन डेल टी कर सकते हैं, डेल पी किसके बराबर है आवेग के बराबर है, तो आवेग को सीधे सीधा एफ इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए एफ इंटू आई बराबर एफ इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं आवेग के लिए। अभी अपन ने बेसिक जानकारी ली है इम्पल्स मोमेंटम, मोमेंटम का फोर्स के साथ में रिलेशन, मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में सब चीज़ें। आपको पता है मोमेंटम की विमा क्या है, एम वी होता है ना, तो देखिए एफ बराबर एम वी या एफ बराबर ये पी या एफ बराबर पी अपॉन टी भी होता है, तो P बराबर F इंटू टी या P बराबर एम वी दोनों समान ही, तो निकालिए इसकी विमा, देखिए एम वन एल वन टी माइनस वन यही होती है, यहाँ पर देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू और ये टी वन, तो वापस एम वन एल वन टी माइनस वन ये हो गए, दोनों सेम ही है तो इसकी विमा निकाल सकते हैं। इसका मात्र क्या होगा, इसका मात्र होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा न्यूटन सेकेंड, अगर यहाँ से निकलता है न्यूटन सेकेंड इसका मतलब, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड दोनों ही संवेग और आवेग के मात्रक होते हैं। अभी अगले लेक्चर में अपन इसके थोड़े एग्जांपल देखेंगे कि और इसके कंजर्वेशन थ्योरम देखेंगे कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू वर्क एनर्जी, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ एक बात और बता दूँ आपको चलते चलते कि जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी होता है। लीनियर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोशन के लिए होता है, रेखीय गति के लिए होता है। अगर कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम, कोई भी पार्टिकल बॉडी है अगर वह एंगुलर गति कर रही है, एंगुलर गति किसी कोणीय गति के रूप में होती है, जैसे वर्तुल गति होती है, सर्कुलर मोशन कर रही है,
तो उसके रिस्पेक्ट में उसका जो संवेग होगा वह हो जाएगा कोणीय संवेग। और आपको पता होना चाहिए कि पी बराबर एम वी होता है, कोणीय संवेग को जे लिखते हैं, तो उस वक्त आई जो ये है वो हो जाता है आई और ये वी हो जाता है ओमेगा। तो देखिए द्रव्यमान का जो रोल रेखीय गति में है वही जड़त्व आघूर्ण का रोल बन जाता है कोणीय गति में। यह है रेखीय वेग तो यह है कोणीय वेग, तो P बराबर एम वी, जे बराबर आई ओमेगा, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अपन लिख सकते हैं नॉर्मली इसके लिए जो I है वह m और द्रव्यमान और उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है द्रव्यमान के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जैसे अपन को पता है कि dp अपॉन dt बराबर f होता है, वैसे ही यह रेखीय गति में, वैसे ही कोणीय गति में f की f बल है तो कोणीय गति में हो जाएगा टॉर्क बल आघूर्ण, और तभी बन जाएगा डी जे अपॉन डी टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों एनालॉगस चीज़ें हैं, कोणीय गति और रेखीय गति। तो वैसे तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर एंगुलर मोमेंटम है वह कंजर्वेशन कई बार वॉयलेट हो जाता है, लेकिन अभी तक फिजिक्स के अनुसार जो लीनियर मोमेंटम का वॉयलेशन नहीं मिला है, हर घटना में, हर इवेंट में, हर फिजिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर माइक्रो से लेकर मैक्रो फिजिक्स तक, छोटी सी इवेंट से लेके बहुत बड़ी ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी इवेंट्स में, हर जगह पर मोमेंटम एज ए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होता है। थैंक यू।